स्मृति स्कूल की अंजीर है नए ड्रामा में से, और उसका सातवां भाग है और उसकी आयत नंबर 24 से हम लोग पढ़ेंगे 27 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम इस तरह लिखा गया है, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मी बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो खुदावन ने हम सबों की जिंदगी में अता किया है, और इस बात के लिए भी मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब भी खुदावन इस फैमिली में करम नवाजी करता है, खुदा कोई भी ऐसा बड़ा काम करता है तो खुदावन के ये लोग जो है खुदावन की शुक्रगुजारी लाजमी करते हैं, इस बात को भूलते नहीं है। और अक्सर मैं ये बात किया करता हूं कि जब भी कोई आप अगर फर्ज करें किसी के काम आते हैं, चले बदले में बंदा कुछ कर तो नहीं सकता, तो बाद हमें ये भी गिला होता है यार बंदा मेरा शुक्रिया भी नहीं कर सकता, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खुदा की नजर में जो सबसे काबिल कदर इंसान होता है ना वो शुक्रगुजार बंदा है, चाहे वो माड़ा है या तगड़ा है, गरीब है या अमीर है, लेकिन अगर वो शुक्रगुजार है ना तो ये क्वालिटी खुदा को पसंद आती है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब भी खुदावंद किसी भी तरह से कारोबार में, फैमिली में, जिंदगी में, खानदान में अपनी करम नवाजी करता है, मेहरबानियां करता है, तो खुदा के आप लोग हैं और जरूर यहां पर शुक्रगुजारी का अरेंज किया जाता है ताकि खुदावंद के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी की जा सके। और आज की जो शुक्रगुजारी की इबादत है इसका अहतमाम जो किया गया किस हवाले से किया गया, आप सब लोग जानते हैं कि खुदावंद ने बेटी मैविश को, भाई रहील को साहब औलाद किया, और पहले खुदावंद ने फरजंद नरीना अता किया, अब खुदावंद ने खूबसूरत बेटी अता की, और ये खुदावंद की बड़ी खास रहमत है, खुदावंद की बड़ी करम नवाजी है। सो जारी सी बात है जब कोई इतनी कीमती चीज किसी को दे देता है ना, तो जब भी कोई खास या अहम चीज कीमती चीज किसी के हैंडओवर करता है, किसी के सुपुर्द करता है, तो साथ में कुछ थोड़ी सी हदायत भी देना जरूरी होती है। क्या क्या है? आप अगर किसी को कोई बड़ी कीमती चीज पकड़ाते हैं ना, फर्ज करिए ये मोबाइल है ना, आजकल मोबाइल भी बड़े महंगे होते हैं ना, तो 30-40 हजार, 50 हजार का मोबाइल, वो अगर आप किसी को पकड़ा देंगे ना तो दिल अंदर से ऐसे ही कर रहा था, उसको बताएंगे साहब इसको ये नहीं करना, इसको वो नहीं करना, इसको ऐसे नहीं पकड़ना, इसको ऐसे नहीं पकड़ना। इसी तरह से देखिए कि खुदा जब औलाद देता है तो ये इसका तो कोई मोल ही नहीं है, क्या है कोई मोल इसका? क्यों हमारी हमारी औलाद का कोई मोल है? औलाद का कोई मोल नहीं होता ना, ये बेश कीमत है, खुदा की तरफ से मिराज है। तो इतनी कीमती चीज खुदा दे देता तो डेफिनेटली फिर कुछ हदायात तो देगा, कुछ ना कुछ तो वो हमारे से शेयर करेगा। तो इसलिए खुदा के पाक कलाम में से चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं गौर कर रहा था, एक और मैसेज था जो मैं चाह रहा था कि मैं डिलीवर करूं, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही खुदा ने जो मेरी रहनमाई की वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अच्छा, जो आज तलावत की गई, लग रहा होगा कि ये जो जिस तरह मतलब आज मौका मुनासिबत है उसके हवाले से तो ये बिल्कुल अटैच नहीं हो रही, तो बाजी साहब ने आज ये तलावत क्यों कर दी? जो कोई मेरी बातें सुनता है, गुलाम यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है वो अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने अपना घर बनाते वक्त बुनियाद कहां पर रखी? चट्टान पर। जब मी बरसा, पानी चढ़ा, उस घर को टकरे लगी, सैलाब आया, आंधियां चली, लेकिन उसको कुछ भी नुकसान ना पहुंचा।
और जो कि मेरी बातें सुनता है लेकिन अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर बनाया और घर बनाते वक्त बुनियाद कहां पे रख दी, रेत पे रख दी, और जब मीं बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर को टकरे लगी, वो गिरा और बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा, अब यहां पर दो तरह के लोगों की बात की जा रही है, दो तरह के लोग हैं, नंबर एक अकलमंद और नंबर दो बेवकूफ, और हैं दोनों ये ममार। गुबरान साहब आपको दबका काम आ गया, हैं दोनों ये ममार, ममार मतलब मिस्त्री। अब घर भी वो बना रहे हैं और खुद ही बना रहे हैं, तो बुनियादों का फर्क आ गया। एक ने बुनियाद कहां पर रखी है, चट्टान पे, और दूसरे ने कहां पर रखी है, रेत पे। दोनों बना गाड़ी रहे। अच्छा, अब आज जो मौका मुनासिबत है उसके हवाले से यहां पे हमें कौन सी बात मिल रही है, आपका क्या ख्याल है कि उस्तादों को, असातिज़ा किराम जो होते हैं उनसे ये कहा जाता है, टीचर्स के हवाले से, असातिज़ा किराम के हवाले से ये बात की जाती है कि ये क्या है, कौम के ममार है, ये कौम को बनाने वाले हैं, कौम को तैयार करने वाले हैं। तो अगर पेरेंट्स के बारे में, वालदैन के बारे में भाई जाकर अगर गौर किया गया तो वालदैन क्या कर रहे होते हैं, वो भी तो बच्चों को, अपनी औलाद को बना रहे होते हैं ना, तैयारी कर रहे होते हैं, परवरिश करना मतलब तैयार करना, वो भी तो वही काम कर रहे हैं। और जिस बात की तरह मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो एक बड़ी खास और अहम बात है। यहां पर बुनियाद का चूंकि जिक्र किया गया है और बाज़ औक़ात गलत रखी जाने वाली जो बुनियादें हैं वो सारी जिंदगी बंदे के लिए प्रॉब्लम का सबब बनी जी। बात हम लोग कर रहे थे कि पेरेंट्स जो हैं, वालदैन जो हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। किताबों में हम लोगों ने पढ़ा कि बच्चे की पहली दर्शगाह कौन सी होती है, मां की गोद। तो इसका मतलब है कि बच्चे का बनना, उसका तैयार होना, फ्यूचर में वो क्या करेगा, क्या बनेगा, वो कहां से शुरू होता है, घर से, मां की गोद से। तो पेरेंट्स जो हैं, वालदैन जो हैं, मां बाप जो हैं, ये क्या है, ये भी तो ममार के काम कर रहे होते हैं। और बुनियाद से मुराद क्या है, बुनियाद से मुराद है फैसला। जिंदगी में रखी जाने वाली गलत बुनियादें, बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी गलत बुनियादें हम लोग रख बैठते हैं और उन गलत बुनियादों पे हम लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की होती हैं। बात को जरा समझिएगा डीपली, डेप्थ में जाकर थोड़ा, कि जिंदगी में हम लोग बाज़ औक़ात ऐसी गलत बुनियादें रख लेते हैं और फिर उन बुनियादों पे हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं और कभी किसी वक्त में जाके पता चलता है कि बुनियाद गलत रखी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब प्रॉब्लम यह है कि अब तो बिल्डिंग खड़ी हो गई। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं भाई जाकर साहब, ये जो घर आपने बनाया हुआ है कितना अर्सा हो गया इसको बने हुए, 20 साल, 10 साल कह ले, 20 साल कह ले, 30 साल कह ले, जितने भी है। एक छोटी सी बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ईमान से आपने ये बताना है, जब से ये घर बना है, शुरू शुरू में थोड़ा सा याद रहता बंदे को, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक, इस वक्त तक इस बिल्डिंग की तरफ तो आपका ध्यान जाता होगा, कभी इसकी बुनियादों की तरफ ध्यान गया नहीं ना, गया कभी नहीं जाता, ठीक है, ये प्रैक्टिकल मैंने आपको आपके सामने करके निकाल दिया, बुनियादों की तरफ ध्यान नहीं जाता। हाँ, इसकी मेंटेनेंस जो करनी है, क्या सिस्टम है, कैसा लग रहा है, वो बंदा करता रहता है, इसकी तरफ ध्यान जाएगा। आने जाने वाले जितने अजीजों का रब आए, आप सब लोग भाई आए हैं इस घर की बुनियाद की तरफ, इस बिल्डिंग की बुनियाद की तरफ कभी तवज्जो गई, कभी नहीं गई। और सेम प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ यही तो होता है, ऐसी उलझने, ऐसी परेशानियां, ऐसी टेंशनें हमारी जिंदगी में क्रिएट हो चुकी होती हैं जिनका कोई सलूशन हमें नहीं मिल रहा होता। और उसका सबब क्या होता है, सबब उसका होता है वो गलत बुनियादें।
वो गलत बुनियादों पे किए जाने वाले फैसले। बुनियाद से नहीं, मैंने बता दिया कि फैसला, कि जिंदगी में बाद हम लोग ऐसे गलत फैसले कर बैठते हैं और उन्हीं गलत फैसलों पे हम लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी होती हैं। अब वो बिल्डिंगें तो खड़ी हो गई लेकिन उनमें टेंशनें, परेशानियां, तकालीफ, प्रॉब्लम्स, वो सारा कुछ जो है वो अंदर है, वो खत्म नहीं हो रहा। और उसकी वजह क्या है, कभी किसी वक्त में जाके याद आता है बुनियाद गलत रखी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग अब खड़ी हो चुकी है, अब क्या करें, उसको गिराएं, दिल मानने का हौसला होगा, मुश्किल है। और इसी वजह से उन गलत बुनियादों का खमियाजा जो है वो सारी जिंदगी बंदे को भुगतना पड़ता है। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो भुगते या फिर सारा कुछ क्लोज करके नए सिरे से फिर बुनियाद रखे। अब इतना हौसला किसी में होता नहीं है। अच्छा, इन सारी बातों को करने का मकसद मेरा क्या है? मकसद यह है, शुरू में मैंने ये बात की थी कि खुदा अगर इतनी कीमती चीज किसी के सपुर्द करता है तो वो फिर कुछ थोड़ी सी हदायत भी देता है। अब वालदैन जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, ये भी एक ममार का रोल प्ले करते हैं, रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो मां बाप ने भी बच्चों की परवरिश करनी होती है, तैयार करना है उनको। और बाज़ोकात तो बच्चों की परवरिश के मामले में किए गए गलत फैसले और इन फैसलों का खमियाजा बच्चों को सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। अगर हम अपने ही लाइफ पे गौर करें तो मे बी के हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे मामले में या कुछ अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसी गलत बुनियादें रखी जिनका खमियाजा ना सिर्फ उनको बल्कि हमें भी भुगतना पड़ा, ऐसा हो जाता। लेकिन खुदा का कलाम हमें यह सिखाना चाह रहा है, खुदा का कलाम आज हमें यह सिखा रहा है कि हमें कोशिश करनी है कि बुनियाद मजबूत जगह पर रखी जाए और अच्छी रखी जाए। बुनियाद बिन फैसले, कि जिंदगी में किए जाने वाले फैसले, वो चाहे हस्बैंड वाइफ आपस में करें, वो चाहे बच्चों को इन्वॉल्व करके किए जाए, जैसे भी आप करें, अच्छा फैसला करें जो कि आने वाले वक्त में आपके बच्चों के लिए, आपकी औलाद के लिए फायदामंद साबित हो सके। कई मर्तबा मैंने ऐसे लोगों को भाई जी देखा है, बच्चों मतलब लोगों को, कि वो अपने मां बाप के बारे में बड़े गलत कमेंट्स दे रहे होते हैं। होता है, इस तरह ही नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है कि उनके पेरेंट्स, उनके वालदैन जो हैं, वो कुछ ऐसी गलत बुनियादें रख के चले गए होते हैं जिंदगी में कि जिनका खमियाजा वो खुद भी भुगत रहे और आफ्टर डेथ उनके चले जाने के बाद उनकी औलाद को भी खमियाजा भुगतना पड़ा। अब वो उनके बारे में बक बक ना करे तो और क्या करे, ठीक है। तो डिसीजन लेना जो है ये भी कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तुझे सलाह दूंगा, खुदा यीशु मसीह ने कहा, किताब में लिखा हुआ है कि मैं तुझे सलाह दूंगा। अगर हम लोग खुदावंद को, पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, पेरेंट्स जो हैं वो अगर खुदावंद के साथ अटैच हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगियां जो हैं वो प्रॉपर खुदा के हैंड ओवर कर देते हैं, तो खुदा क्या करेगा, उनकी सलाह करेगा, सलाह भी करेगा और उनको सलाह भी देगा ताकि वो अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले कर सके, अच्छी बुनियादें रख सके और अच्छी बुनियादें रखने के बाद अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी की बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सके। अब यहां पर एक बंदा जो है उसने बिल्डिंग खड़ी तो की लेकिन उसने बुनियाद गलत रखी, बुनियाद उसने रेत पे रख दी है और गलत जगह पे बुनियाद रखने की वजह से उसका सारा किया कराया गया, उस पर पानी फिर गया, खत्म हो गया, प्रॉब्लम आ गई। अब इस साने को वो कभी भूलेगा नहीं। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस आज हमें ये सिखाना चाह रही है, जो खुदावंद ने हमें मौका दिया इकट्ठा होने का, उसमें आज हमारे लिए जो खुदा खास लेसन खुदा हमें दे रहा है वो क्या है,
कि बुनियाद पर गौर करें, हमारी बुनियाद कहां पे रखी गई है, हमारी परवरिश की बुनियाद हमारी कहां पे रखी गई है, और हमने आगे अपने बच्चों की जो परवरिश की बुनियाद है वो कहां पे रखनी है। अगर इग्नोर किया गया, बालों का पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं, बड़े बिजी होते हैं, हाँ ठीक है बिजी तो आप हैं, बच्चे जो हैं वो तो पेरेंट्स के पास पूछते भी है ना, जो कुछ भी करना है वो पेरेंट्स से नहीं करना, चाहे वो बिजी हो या ना हो। बालों का तो जो है वो माँ बाप कह देते हैं कि हम ये सारा कुछ बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, भाई कर तो बच्चों के लिए रहे हैं लेकिन उन्हें वो टाइम भी चाहिए परवरिश का, वो कुछ ऐसी चीजें उनकी जिंदगी में ऐड करने की जरूरत है जो कि आगे जाके उनके लिए फायदेमंद हो। एक आखिरी बात करना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त और अहम बात है, बेटी हो या बेटा, ये गौर कीजिएगा, बेटी हो या बेटा, पेरेंट्स के लिए जरूरी है जो अब मैच्योर हो चुके हुए हैं ना, बड़े हो चुके हुए हैं, मतलब पेरेंट्स जो मैच्योर हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हुए हैं, खुदा उनको सबको बरकत दे, मैं किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं करने वाला, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करनी है। ये कह सकते हैं कि उनका वक्त गुजर गया, लेकिन जो अभी यंग है उनके लिए एक बड़ी खास और अहम बात यह है कि चाहे खुदा बेटा दे या खुदा बेटी दे, अगर पेरेंट्स उनके लिए रोल मॉडल बन जाते हैं, और ये साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने लगा हूं कि जो बाप होता है वो अगर अपनी बेटी का रोल मॉडल हो जाए ना, तो वो बेटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी उसे कभी कोई जिंदगी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हालात का जैसे भी आ जाए, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे उसे खड़ा होना पड़े या जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह का कोई ऐसा मोड़ आ जाए, उसका बाप अगर उसके लिए रोल मॉडल है तो वो इतनी जल्दी फिसलने वाली नहीं है। आज आप अंदाजा कीजिए कि पेरेंट्स तो हम होते हैं, वालदैन तो हम लोग होते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों के लिए कोई रोल मॉडल नहीं होते, हमारे बच्चों के रोल मॉडल कोई और ही होते हैं, ऐसा है या कहीं मेरे साथ एग्री कर रहे हैं इस बात के साथ? क्यों जी सर, मां बाप तो हम ही होते हैं लेकिन हमारे बच्चों के आगे रोल मॉडल जिनको वो फॉलो कर रहे हैं तो वो कोई और होते हैं, तब चूंकि वो कोई और होते हैं तो ठीक है, फिर जो उनके साथ बना फिर उनके साथ भी बनेगा। तो ये एक बड़ी खास और अहम बात है, कोशिश करनी है कि हम खुद ही अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, दूसरे क्यों बने। कोई शाहरुख खान को रोल मॉडल बना के बैठा हुआ है, कोई लड़कियां तो करीना कपूर को रोल मॉडल बनाया हुआ है, कोई कतरीना को बनाया हुआ है, किसी फलानी को बनाया हुआ है, ये क्या है? मां ही क्यों अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल नहीं बनी, बाप ही अपनी बेटी या अपने बेटे के लिए रोल मॉडल क्यों नहीं बना? तो यही है वो गलत बुनियादें, बात फॉलो कर रहे हैं, यही है वो गलत बुनियादें जो पेरेंट्स रख छोड़ते हैं। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो मैंने कह दिया उससे उससे आप लोग सभी वाकफ है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यही है वो गलत बुनियादें जो हमारे हाँ हम लोग बैसियत पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स जो है वो रख देते हैं, और हमारे बच्चों के लिए वो समझ लीजिए कि उनकी राहों में कांटे बोए जाते हैं, और बाद में फिर वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और इसी वजह से फिर बाद में जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के बारे में बड़े नेगेटिव बड़े गलत कमेंट्स दे रहे थे। तो देखिए ये खुदा का कलाम है, खुदा ने कलाम इसीलिए दिया हुआ है। अब मसाला तो किचन में वही होता है, ये पकाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बताता है, कलाम तो यही है हर बंदे के पास यही है, ये तो सुनाने वाले पे डिपेंड करता है कि खुदा उसको क्या देता है और वो लोगों तक क्या डिलीवर करता है। और बाइबल में लिखा कि बा मौका बाद क्या ही खूब है, और आई थिंक पहले लग रहा होगा कि ये
ये जो तलावत आज की गई है ये रेलिवेंट नहीं है, मौका के मुनासिबत से नहीं लग रही, लेकिन खुदा का कलाम है, खुदा का कलाम भेद है। छोटी छोटी बातों में से भेद निकलते हैं, खुलते हैं भेद। ठीक है, तो मुख्तसर करूंगा बात, बुनियादों पे गौर करना। एक बेटा दिया खुदा ने, बेटी दी है, दो बच्चे हो गए हैं, तीन बच्चे हो गए हैं, चार हो गए, ये खुदावंद की देन है, वो कोई मसला नहीं है। देखना यह कि हर बच्चे की बुनियाद हम कैसी रख रहे हैं, ये अहम बात है। गलत बुनियाद रख ली, आंधियां चलेंगी, सैलाब आएंगे, पानी चढ़ेगा, जो ही उसको टकरे लगी, अगर बुनियाद गलत रखी हुई ना, गया काम, बच्चा स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा, बच्चा स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा, सारी जिंदगी वो स्ट्रेस में गुजारेगा और वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ना फिजिकली, ना स्पिरिचुअली, ना फाइनेंशियली, और ना ये दुनियावी लिहाज से सोशली। ऐसे बच्चे जो हैं वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम नहीं करती। तो उसमें देखिए ये बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का ना, तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। फिर मैं रिपीट करूंगा उसी बात को कि बुनियाद पे गौर कीजिएगा, फैसले पे गौर कीजिएगा, फैसला जो भी करना है परवरिश के लिहाज से, वो चाहे बच्चे के स्कूल के हवाले से हो, वो बच्चे की डाइट के हवाले से हो, वो बच्चे के पहनावे यानी कि उसके ड्रेस के हवाले से हो, उसकी लाइफ के हवाले से हो, लाइफ का कोई भी पार्ट ले ले, कोई भी हिस्सा देख ले, जिस बच्चे की लाइफ के जिस भी हिस्से के मामले में आपको खुदा ने इख्तियार दिया था, मां बाप को खुदा ने इख्तियार दिया, बच्चा कुछ भी नहीं है। ये मेरा बेटा ना अभी, ठीक है, छोटी बेटी है 1.5 साल की, वो अभी जा रहे हैं, ये तो कंपनों की तरह है, डालियों की तरह है, एक शाख आपके हाथ में भाई जाकर दे दी जाए, आप उसको तोड़े मरोड़े जहां पर मर्जी लगाए, आपके इख्तियार में है, बच्चे ने क्या कहना है। अभी आज मैं बेटा 4 साल का, खुदावंद का शुक्र है खुदावंद के फजल से हो गया, अब मैं इसका एडमिशन करवा दिया, ठीक है, अब एडमिशन जो है वो करवाने के लिए, ठीक है, हम लोग गली मोहल्ले के स्कूलों में पढ़े जैसे भी था, पेरेंट्स को जो समझ आई, लेकिन मैं उनकी कोई ऐसी बुराई नहीं कर रहा, जो खुदावंद उनको समझ दी उसके मुताबिक उन्होंने किया और उन्हीं के दिए हुए से हम लोग यहां तक पहुंचे, ठीक है, लेकिन ट्रेंड है ना, ट्रेंड है, सोच अब चेंज हो गया, अब हमारी वो सोच नहीं रही, ठीक है। अब बहुत सारे स्कूल जो है वो विजिट किए, उसके बाद कहीं जाके एक स्कूल ऐसा मिला जिसमें हमें समझ आई कि यहां पर ठीक है, बाबरा टाउन में जो स्कूल है, ठीक है, वहां पे बेटे का कनाल व्यू जैसा उसके, वहां पर इसका एडमिशन हुआ है। अच्छा, बात मैं सिर्फ इस वजह से ये कर रहा हूं कि ये मेरे कंट्रोल में है ना, बात ये हो रही थी मेरे कंट्रोल में ना, मैं इसको शलवार कमीज पहनाऊं, मैं उसको पैंट शर्ट पहनाऊं, मैं उसको सिंधी बनाऊं, बलोची बनाऊं, पंजाबी बनाऊं, जो भी बनाऊं, ये मेरे हैंड ओवर है, मैंने फैसला करना, जब तक ये इसका शऊर बेदार नहीं होता, ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये मेरे इख्तियार में। तो इसी तरह बच्चे जो है वो पेरेंट्स के इख्तियार में होते हैं, उन्होंने नहीं कहना कि हमें ये खिलाओ, उन्होंने नहीं कहना हमें ये पहनाओ, उन्होंने नहीं कहना कि हमें ये तलीम दिलवाओ या ना दिलवाओ, उन्होंने नहीं कहना कि हमें चर्च लेके जाओ, उन्होंने नहीं कहना कि हमें दुआ सिखाओ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहना, उन्होंने नहीं कहना कि हमें बाइबल पढ़ाओ, जो कुछ भी करना है मेरे भाई वो हम नहीं करना, वो पेरेंट्स नहीं करना है। तो आज अगर हम लोग ये बुनियादें सही रख लेंगे ना, तो देखिए एक बीज आप बोते हैं, उसकी आप परवरिश करते हैं, उसकी निगेबानी करते हैं, रखवाली करते हैं, कल को वो फलदार हो जाएगा तो किसको फल देगा, फल किसने खाना, मां बाप नहीं खाना होता, तो ऐसा है। तो अगर आज हम लोग ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना, छोटे छोटे बीज हैं, आज अगर हम इनको गलत जगह पे बो देंगे, इनकी सोसाइटी जो है, मैं यकीन मानिए कि खुदावंद ने मुझे शायद औलाद किया तो मैं अद्धा मास्टर हो गया, अभी ये 4 साल हो गए, सिंगल था तो अलग सोच थी, कपल हुआ
तो तजर्बात हुए। अब खुदा ने साहब औलाद किए मास्टर बना दिया इन्हें बच्चे 24 घंटे ऐसे। अभी ये छोटा सा अभी से 7-7 आंखें 8-8 आंखें रखनी पड़ रही। तो कैसे बच्चा जो है इसको इसकी बुनियाद कैसे बनानी है, इसकी बेस कैसे बनानी है, और वो सारे फैसले हैं छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं। और एक और आखिरी बात कहूंगा, डिसीजन मेकिंग जो है बाजू का तो घर से मिल जाती है। घर से कैसे मिलती है कि खानदान में बाजू का कोई ऐसा कोई बड़ा होता है कि जिसने अपनी जिंदगी में अच्छे फैसले किए होते हैं, लोग उससे फैसला सुनने के लिए आते हैं और वो अच्छे फैसले देता है, और उसके पास बच्चा बैठता है, देखता है, वक्त गुजारता है, और वो डिसीजन मेकिंग उसको किसी हद तक आ जाती है। अगर ऐसा नहीं भी है तो डिसीजन मेकिंग के स्पेशली सेशन होते हैं, सीखनी पड़ती है। पेरेंटिंग का सेशन होता है, ठीक है, बच्चों के हवाले से बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो कोशिश करनी है कि इस बात को थोड़ा सा मद्देनजर रखा जाए। ये है जी हदायतनामा, खुदा ने आपको इतनी कीमती चीज दे दी है तो उसके लिए साथ खुदा ने आपको कुछ थोड़ा सा हदायतनामा दे दिया, ठीक है जी। सो खुदा आप सबको आज के इस बात कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनके जरूर दुआ मांगे।